हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कंगाल बना देती है ये चीजें, पितृपक्ष में बिल्कुल ना खरीदे। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको आपके घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं, तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही है, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की क्या दशा करते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है शुभ। काले तिल, पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद ले लेते हैं, तो इसका दान कर देते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती है। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए, तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े, पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाई की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़े को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य को हम सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे, खुद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सफेद फूल, पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को यूज किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं, तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने से मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं, तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। तामसिक चीजों का सेवन,
पितृपक्ष में इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मदिरा और नशे से धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर के चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते। पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। ये पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं, इसलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्चे निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।